ओम शांति 3/6/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है, हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान, जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है, गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक बनाती है, और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना? निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, यह स्मृति आई है। 84 जन्म का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उनों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमको श्रेष्ठ मत मिलती है। सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं, मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं, नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या, जैसे वह स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नर्कवासी हैं। ऐसे नर्कवासियों को स्वर्गवासियां तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है।
अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमद् भगवानुवाच। श्रीमद् मनुष्यवाच नहीं है, सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ, शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परामा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाएं, इसका भी अर्थ नहीं समझते। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे, शोभेगा? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी, उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी साम्राज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो। मनुष्य से देवता बनना, देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं, शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं, तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से, विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है, ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम था नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सत्युग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सत्युग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ, यह साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में जाकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं।
जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हम आत्मा पवित्र हो जाएगी तो हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप करते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है, पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं, तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और हुल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।